नमस्कार सत्य गलत आप सलाम को मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए टूर्नामेंट बटिया मंदिर पे हमारे भाग में हो रहा है और हम लोग आज मैच खेल रहे हैं। ये देखिए सभी प्लेयर और यहाँ पर सुरेश वर्मा जी यहाँ पर उपलब्ध हो गए हैं, तो इन्हीं के साथ फीता काट कर शुभारंभ होने जा रहा है मैच का। तो चलते हैं हमें इसी मैच का लुत्फ लेते हुए और फीता काटवाएंगे उनके साथ में। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और हम जो मैच यहाँ पर खेल रहे हैं एक ओवर में मेरे दोस्तों 6 बॉल पर 23 रन चाहिए और स्ट्राइक पर मेरे दोस्तों दिनेश हैं, नॉन स्ट्राइक पर सुरेंद्र कुमार हैं। यहाँ पर देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी दोस्त और जितने भी प्लेयर हैं यहाँ पर, सभी जो कमेंटेटर कमेंट्री के सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सब लोग उपस्थित हो गए हैं मेरे दोस्तों। तो चलते हैं हमके साथ पहले फीता कटवाएंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, राष्ट्रगान किस तरीके से यहाँ पर खेला जाएगा मैच। और ये जो फीता काट कर आरंभ करेंगे एक ओवर में 23 रन की जरूरत है मेरे दोस्तों, सुपर ओवर होने जा रही है। सभी दोस्त यहाँ पर देखिए उपलब्ध हुए हैं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। देखिए देखिए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, फीता यहाँ पर कट गया है मेरे दोस्तों। और सबसे पहले मेरी बात है यहाँ पर जुड़ चुके हैं सुरेश कुमार, ये देखिए फीता जो लगाया गया, फीता लगाया गया उसके बाद यहाँ पर काट कर सभी दोस्तों का, सभी जो क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पर उपलब्ध हो गए मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए अध्यक्षता यहाँ पर हो रही है, माला पहनाएंगे, माला पहन कर इनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करने के बाद उसके बाद फीता काट कर मैच खेल कर आनंद लिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं मिलवाने चल रहा हूँ उस शख्स से जो अभी एक ओवर में 23 रन की जरूरत है, स्ट्राइक पर वीरेंद्र और नॉन स्ट्राइक पर है दिनेश कुमार है, एक ओवर में 23 रन की जरूरत है। तो देखते हैं किस तरीके से मैच का आनंद लिया जाएगा मेरे दोस्तों। सभी यहाँ पर फीता काट कर प्रत्याशी के पक्के प्रत्याशी हैं, ये देखिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अध्यक्ष हैं और जो पद के प्रत्याशी हैं यहाँ पर सभी प्लेयर इकट्ठा होकर शुभारंभ हो रहा है। देखिए यहाँ पर खेला जा रहा है मैच और सभी दोस्त जो क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप लोग को मैच का लुत्फ दिखाएंगे किस तरीके से एक ओवर में लगभग 23 रन की जरूरत है और स्ट्राइक पर है वीरेंद्र कुमार और नॉन स्ट्राइक पर है दिनेश कुमार। तो यहाँ पर देखिए अभी दिखाएंगे लुक, पहले दिखाएंगे एक ओवर में 23 रन की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों कि एक ओवर में 23 रन की जरूरत है, बहुत ही हालांकि की मैच होने जा रही है, आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से ये आनंद लिया जाएगा एक ओवर में। अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो कोई बात नहीं, आप जो कमेंट्री हो रहा है वहाँ पर उसको सुनिए, मैं दिखा रहा हूँ बैक कैमरा करके दिखाऊंगा आप लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर रोमांच से भरा ये मैच है, एक ओवर में लगभग 23 रन। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ओवर में 23 रन की जरूरत है, स्ट्राइक पर हैं वीरेंद्र कुमार और नॉन स्ट्राइक पर हैं दिनेश कुमार जो लगभग 6 छक्का लगाकर खेल रहे हैं मेरे दोस्तों। देखते हैं रोमांचक किस तरीके से मैच का रोमांचक बनेगा और रोमांचक बन चुका है क्योंकि 3 छक्के की जरूरत है, 1 चौके की जरूरत है मेरे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बॉलर जो है, बॉलर को मैं आप लोग को दिखा दूं, ये बॉलर हैं लगभग चलने आए। तो मैच का स्टार्ट होने जा रहा, बहुत ही रोमांचक होने रहा, बहुत ही खुद तरीके से मैच का आनंद लिया जाएगा मेरे दोस्तों। आप लोग खुद एक बार देखिए, मजा लीजिए किस तरीके से लुत्फ लिया जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही रोमांचक मेरे ही टीम का देवा क्रिकेट क्लब से टीम से गए ये मैच है जो जीतने के लिए 23 रन 6 बॉल पर 23 रन की जरूरत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए सभी ग्राउंड एक बार सजी हुई है पूरा। देखिए ये देखिए विकेट कीपर अच्छा रहा, ये देखिए। तो मेरे दोस्तों देखो बॉलिंग करने के लिए यहाँ पर डिसीजन और सुरेश कुमार आए हुए हैं, वो थोड़ा सा अपना स्पीच दे रहे हैं। स्पीच देने के बाद तुरंत मैच को स्टार्ट किया जाएगा, नए मैच को। तो स्टार्ट हो गया, 2-3-1 गो फास्ट। तो देखिए बॉलिंग चल रहे हैं, बॉलिंग पढ़ने के लिए बहुत सही यहाँ पर छुआ दिए हैं। तो देखिए एक बॉल पर लगभग आउट हो गए मेरे दोस्तों,
जो कि आउट होने के बाद एक बॉल पे पांच बॉल पर 23 रन की जरूरत है। पहली बॉल पर कैच होकर चले गए हैं मेरे दोस्तों। बहुत बहुत आप लोग सहयोग पहले दीजिए और लगभग तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों यहां पर देखिए दूसरे बॉल के लिए बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं फिर से। तो यहां पर थोड़ा ऐड आ गया है क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, तो अब भाई जो बाउंड्री बना है वो रास्ते में बना है तो रोकना पड़ता है क्योंकि पब्लिक यहीं से जाती है। तो मेरे दोस्तों पांच बॉल पर 23 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पर मेरे दोस्तों हैं मन्नू रामचरण विश्वकर्मा जी हैं, तो उनके हाथों में अगर स्ट्राइक देंगे जो छह छक्के मार कर यहाँ नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक जा रही है इसलिए मैच रुका हुआ है। तो चलते हैं जो दूसरे बॉल के लिए बॉलर तैयार है, तो बॉलर दूसरे बॉल के लिए तैयार है। देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। ओ नो यार क्या कर रहे हैं, दो बॉल खत्म हो गया लेकिन इनके बल्ले पर अभी बॉल टच नहीं हुई मेरे दोस्तों। एक बार एक खेल कर चले गए थे हेड रिटायर बोलकर। तो चलते हैं तीसरे बॉल के लिए, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। कुछ नहीं हो सकता अब, कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों क्योंकि ओवर पिच गेंद थी और ये तीसरे ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। अब जीतने का चांस पूरा खत्म हो गया मेरे दोस्तों, पूरा चांस खत्म हो गया है क्योंकि तीन बॉल पर 23 रन की जरूरत है। कोई माली का लाल अभी बना नहीं सकता तीन बॉल पर 23 रन, तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कोई कुछ नहीं बचा है मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ये हमें सपोर्ट करिए और देखते रहिए आप लोग को जो दिखाए हैं मेरे दोस्तों। ये देखिए फिर से चौथे बार के लिए चले, ये देखिए अगर इन्हीं को उतारते हैं तो कम से कम ये होता मेरे दोस्तों कि स्ट्राइक पर कम से कम दिनेश कुमार जो छह छक्का लगाकर खेल रहे हैं वो आ जाते हैं, लेकिन कोई भी चांस नहीं है। अब कोई चांस नहीं है क्योंकि दो बॉल पर 23 रन की जरूरत है। अब मैच का डिसमिस एकदम खत्म हो गया, पूरा एकदम क्वालिटी खत्म हो गया, रोमांच खत्म हो गया मेरे दोस्तों। कुछ चारा नहीं बचा है। अब दिनेश कुमार स्ट्राइक पे आए हैं पांचवें बॉल के लिए, तो देखते हैं। ये देखिए छक्का लगा कर खेल दिए हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, कुछ मतलब नहीं है मेरे दोस्तों कोई मतलब नहीं है। क्या बताएं अब एक बॉल पर, अब क्या बताएं, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या बताएं यार, पांच बॉल पर लगभग चारा था, अगर वही एक बॉल पर स्ट्राइक पा जाते तो लगभग रोमांच हो जाता मैच। दो छक्का लगा दिए, देखिए छक्के, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस छक्के का, क्योंकि दो बॉल पर छोड़ेगा कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। ये मैच खत्म हो गया है, लगभग 8 छक्का लगा कर खेले दिनेश कुमार। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सपोर्ट करने के लिए और देखने के लिए। जय हिंद।